और तब तो और कितना मन किया कि नहीं अब मुझे करते रहना चाहिए। फिर शाम लगन के लिए जावेद हुसैन जी म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत खूबसूरत म्यूज़िक और पापा ने कंपोज करते हैं गाना, गाना गाना भी उन्हीं का है। और ये शाम लगन के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया ये मेघ रात मेघ, ये सावन का महीना, सो देट इस गाने को कंपोज किया। और कंसेप्ट में सोचते रह गई मैंने सोचा कुछ ऐसा क्या करूँ। सेंटर पे लाइट नहीं हुआ, सेंटर पे आइए सर। आप सबको बहुत बहुत प्यार प्रणाम, सारे यहाँ मौजूद भाई लोग बहुत प्यारा गाना मंदाकिनी, बहुत ही प्यारा, चार बार सुना जाए चलता के सुनते रहो। और आप दो जो हैं, आप मैं सेंटर में हूँ और हाँ सर लाइट नहीं हुआ। यही कहूँगा कि आपने जो 6 साल पहले जो वादा किया एकदम परफेक्ट राधे जैकी सर, मैं चाहता हूं कि बांसुरी के साथ एक पोज हो जाए, हमारे सभी मीडिया वालों की डिमांड है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल जी हाँ, वो बोलना जरूरी है क्योंकि बच्चों के लिए गीता बनी रहते हैं। और जैकी सर का मेरा साथ रहा है, बुरिया रे सर, और मतलब सृष्टि की प्रॉपर रचना, सृष्टि में अगर कोई प्रेम की अगर सच्ची भावना है वो है राधे राधे, राधा कृष्ण की। और आज ये राधा कृष्ण की जो देख के बहुत ही खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे बताइए राधा, राधे राधे। तो सर ये बांसुरी के साथ सबकी डिमांड है कि जैकी दादा एक पोज कर दें। जैकी दादा आगे आ जाइए, लाइट नहीं है पीछे, आगे आ जाइए दादा, दादा आगे आ जाइए। बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द अनवेलिंग, शिट बैठ जाओ, बैठ जाओ मैडम, बैठ जाइए मैडम, बैठिए नीचे मैडम। सर 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 बैठिए, सर 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 बैठिए, चला गया पोज, सर बैठ जाइए। मनमीत जी मैं चाहूंगा कि आप भी मंच पे आ जाए प्लीज, पोज के समय सब उतरे यार, बैठे क्यों, अरे भाई बैठ जाओ ना, हम लोग भी पीछे हैं। And now we move towards the unveiling. मैं चाहूँगा unveiling cards देखें। अच्छा वो तो साइड में कर दिया। जैकी सर, मंदाकिनी जी, मैं चाहूँगा unveiling जो है वो की जाए। जी। I think what better day and what better way than Jackie sir? Light ही नहीं है पीछे। थोड़ा सर आगे आइए। And also I would like to call upon stage director Aslam Khan, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक वीडियो बनाया है। Song designed by Harbans Pandit जी, to please come on stage. Shiv Shakti, choreographer, please come on stage. DOP Shiv Shakti to come on stage. Lyricist Pyasa Anju. And there's an entire star cast and crew of Shyam Lagan, ladies and gentlemen. Manmeet ji, please join the cake cutting ceremony. यस भाई मोबाइल पीछे है ना, कैमरा तो बंद है।
यहाँ लो ना सारा रे आ जाओ सर मैं हट जाओ आज बाबा लो क्या अरे वन लो क्या बाबा बाबा यस नाइस पिक्चर बाबा लाइट में बाबा सबसे पहले राधे राधे सो ये श्याम लगन जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही दिल से बनाया गया है और बहुत भाव से बनाया गया है और इस गीत में आप लोगों को सबको सुनाई देगा और दिखाई भी देगा ये सिर्फ और सिर्फ भाव और भक्ति में बनाए गए हैं और ये जन्माष्टमी आ रही है जन्माष्टमी का महीना चल रहा है और हम यही चाहते हैं कि जन्माष्टमी में ये श्याम लगन धूम मचाए और हर एक आने वाले टाइम में जितने जन्माष्टमी आए जब तक ये धरती है जब तक ये संसार है ये गाना हमेशा ये भजन अमर रहे। मेरा काना काना भजन को आप सभी ने बहुत प्यार दिया बहुत वायरल हुए हैं और उसके बाद मैंने ये दूसरा प्रस्तुति किया श्याम लगन वो इससे भी और आगे जाए और आप सबसे खूब सारा प्यार मिले और ये श्याम लगन इतना सुपर डुपर हिट हो ठाकुर जी का आशीर्वाद से ये भजन आप सभी के सामने लाए हैं और इसको आप लोग इतना पॉपुलर कीजिए इतना प्यार दे और ताकि ये द बेस्ट ऑफ द बेस्ट भजन अभी तक का कि ऐसा हो लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा बने रहे क्योंकि जिन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया इस धरती पे उसी प्रेम को मैंने सुरों से सजाने की कोशिश की और यही है सुरों से इस प्रेम को सजाने में और भाव और भक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता ये मेरा प्रयास सिर्फ और सिर्फ भाव और भक्ति है इसके बिना मैं आपसे क्या बात करूं और इस भजन को बनाने के लिए जाबिर हुसैन जी ने काफ़ी इन्होंने दिल से बनाया तो ही एक ये गाना ऐसे बन के आया कि ये सुनते ही एक रूह में मतलब लगते हैं कि नहीं कुछ है जो जब मैंने ये भजन सुना सुनने के बाद मैंने जाबिर जी को बोला मैंने बोला ये शायद कन्हैया तुमसे बनवाया है ये तुमने नहीं बनाया या तो ना हमने गाया इस भजन को उन्होंने बनवाया है हम लोग बीच में जरिया है हम कुछ भी नहीं है हम कौन होते हैं कि भगवान के हम भजन बना सकते हैं ये उन्हीं का भजन ठाकुर जी का भजन राधा रानी का भजन ये बिहारी लाल जी का भजन तो ये खुद ही इस भजन को बनवाए हैं इस जन्माष्टमी के लिए और आने वाले हर एक पल हर एक समय के लिए सो इस भजन को बाखूबी बहुत सुंदर से जावेद जी ने बनाया उसके बाद भजन को जैसे मैंने हरवंश जी को सुनाया तो हरवंश जी ने बोला ये भजन नहीं है ये कुछ और ही है तो इसको बहुत सुंदर से उन्होंने सजाया हम लोगों ने राजा नाहर सिंह पैलेस में इस भजन का सारे शूटिंग किए बल्लभगढ़ फरीदाबाद और उसके बाद हमने जितने पानी और बोट के शूट किए ये दमदमा लेक के हैं हरियाणा के सो ये सारी चीज़ें खूब अच्छी तरीके से हो गए हैं लेकिन इसमें एक बात थी कि मैंने कितना परेशानी इसमें मुझे उठानी पड़ी राधा के लिए ये मैं बताने वाली हूँ आपसे और सबसे पहले कन्हैया तो मुझे बड़ा इजीली और बड़ा प्रेम से मिल गए थे और वो भी सिक्स इयर्स बैक मेरे गाने के शूट पे इनसे मेरी मुलाकात हुई तब मैंने इनके चेहरे को पढ़ के बताया भाई तू तो इस धरती में कान्हा का चेहरा लेके ही जन्म लिया सो जब भी कुछ बनाऊं कान्हा के लिए तो तुमसे अच्छा कन्हैया कोई नहीं बन सकता है तो 6 years back जब मैंने ये श्याम लगन प्रोजेक्ट के लिए मैंने आगे बढ़ी तो मैंने इनको फ़ोन किया ही वॉज़ इन बैंगलोर डैट टाइम तो इनको बुलाया और इस भजन के लिए कन्हैया के लिए मैंने कन्हैया के इस रूप में इस भजन के लिए इनसे एक्ट करवाया मैंने नहीं करवाया ठाकुर जी ने करवाया सो कन्हा तो मुझे मिल चुके हैं बट राधा रानी मुझे बहुत परेशान किया किस लिए किया 32 एक्ट्रेस फ्रॉम मुंबई इंडस्ट्री कितने सारे एक्ट्रेसेस से बात हो चुकी है मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ दे ऑल आर इन टॉप हीरोइंस फ्रॉम मुंबई लेकिन
जब मुझे हमारी जगह बुक हो गई, डेट बुक हो गई, लेकिन मुझे राधा नहीं मिल रहे, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान. एंड मेरे घर में ठाकुर जी विराजमान है, मैं सेवा करती हूँ ठाकुर जी की. सो मैं वहाँ पे बैठ के मैं ठाकुर जी से बात की कि ठाकुर जी मुझे अब राधा रानी तो दे दो, मुझे जगह बुक हो गई, सब कुछ हो गई, मुझे राधा रानी के बिना कैसे ये भजन हो सकता है, क्योंकि ये भजन राधा रानी ने अपने कन्हैया के लिए ही गाए हैं. सो उसके बाद मुझे रातों रात ये रीवा मिल गई. रीवा, छोटी सी मेरी प्यारी सी रीवा मिल गई एज ए राधा. और उसके बाद दूसरे दिन मेरी रीवा और रीवा की मम्मी निशा जी, सी इज़ वेरी वेरी प्रीति, और उन्होंने दोनों आके मुझसे बात किए और हमें बहुत अच्छा लगा. और फिर रीवा आ गई और हमारे शूटिंग हो गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से हो गए हैं. और इस शूटिंग को हमारे डीओपी टीम और वीडियो डायरेक्टर असलाम खान और शिव जी डीओपी, उन्होंने ही इस काम को कंप्लीट किया. बहुत सारे इसमें डांसर्स थे, आप वीडियो में देख सकते हैं. इसमें हमने महाराज को एक भाव से, भक्ति से एक रचाने की कोशिश की मैंने. तो मैंने काफ़ी सारे प्रोफेशनल डांसर्स को लाए, सबके एक जैसा कॉस्ट्यूम बनाए, और इस महाराज के जो आखिर में हरे कृष्ण मंत्र के साथ, और इस भजन को मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की, और सभी ने बखूबी निभाया. पूरी रात, ऐसा मैंने शूट कभी नहीं किया. रात को हम लोग, शाम को शुरू हो गए महाराज का शूट, पूरी रात और सुबह 6:30 बज गए, सुबह 6:30 बज गए, कंटिन्यू पूरे टीम, पूरे महाराज के पूरे डांसर्स, पूरे जितने राधा कृष्ण, हम पूरे टीम, पूरी रात हमने इस गाने को शूट किया, सिर्फ महाराज का पार्ट को. फिर उस गाने को करने में और अनदर 2 डेज. सो ये मैं क्या बताऊँ. और इस गाने की और एक खूबी ये है कि इस गाने में 250 ट्रैक्स बजाए गए हैं. 250 ट्रैक्स मुझे तब पता चला जब इस गाने को लेके हम मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के लिए गए, जावेद जी और हम, यशोदास जी के पास. ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मिक्स मास्टर पर्सन. तो उन्होंने बोला 250 ट्रैक, तुमने ये क्या बनाया, ये तो मैं समेटू कैसे, ये तो या तो संजय लीला बंसाली जी बना सकते हैं या तो ए आर रहमान ही बनाते हैं. तो मैंने बोला ये तो ठाकुर जी का गाना है ना, उन्होंने बनवाया. सो उसके बाद इस गाने को 2 दिन लगा मिक्स मास्टरिंग के लिए. उसके बाद गाना, वीडियो, एवरीथिंग इज़ कंप्लीट. एंड आई वेंट टू बिहारी जी वृंदावन. उसकी भी मैं बताऊं आप सबके सामने, मेरी जो मन की जो मेरी भाव है उसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. मैं वृंदावन गई जिस दिन, जैसे वृंदावन मैं एंट्री किया, आज कुछ ही दिनों की पहले की कहानी है ये, 4-5 दिन 6 दिन मुश्किल से उसके पहले वृंदावन जा गई. जैसे वृंदावन में एंट्री की, जो ऐसा तूफ़ान आया, और उस तूफ़ान को मैं ही फील कर सकती थी कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी जन्म समय में जो तूफ़ान हुए थे, जो हम हमेशा राधा कृष्ण सीरियल में या मूवी में देखते हैं, वही तूफ़ान था. गाड़ी चल नहीं रहे थे. जैसे तैसे हम लोग अंदर गए, ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके थे क्योंकि बारिश के कारण लेट. और अंदर जैसे गए बिहारी जी के पास, क्योंकि मुझे भजन बिहारी जी को सुनाना था और दिखाना था कि उनको दिखाए बिना मैं यहाँ लॉन्च नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका गाना पहले वो देखे. और उसके बाद दरवाज़ा जो है बिहारी जी का, जस्ट 10-15 मिनट था, बंद होने वाले थे. हम अंदर गए. बिहारी जी के मंदिर हमेशा भक्तों से भरे हुए रहते हैं, ये आप सभी को पता है. और सब लोगों ने बोल रहे थे मंदिर का पट बंद होगा, पुजारी बोल रहे गाना सुनाना है, जल्दी सुनाओ, पट बंद होने वाले, उनका हाथ दरवाजे पे लगे हुए, अब बंद होगा. पट बंद नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं भजन चला के रखी थी उनके सामने, आँखों से आँख मिला के. और जब तक भजन ख़त्म नहीं हुआ, तब तक बिहारी जी का पट बंद नहीं हुआ. कुछ मतलब ये क्या था मुझे नहीं पता. और जैसे ही भजन ख़त्म, विद इन 10 सेकेंड बिहारी जी का पद बंद हुआ. और उसके बाद हम अपना वहाँ से प्रणाम करके निकल गए. निकल के फिर जैसे ही बाहर निकल गए, उसके 10-15 मिनट के बाद वो तूफ़ान बारिश सब कुछ बंद हो चुके थे. अब मैंने बिहारी जी के से आशीर्वाद तो ले लिया. अब मैं गई राधा रानी के पास बरसाना. बरसाना जैसे गई कि अब राधा रानी को सुनाना है भजन. अब राधा रानी के मंदिर में जैसे ही मैं गई, जैसे ही उनके चरण में मैंने माथा टिका, और पुजारी ने अपने राधा रानी के चरण से ब्लू कलर के दुपट्टा, वही नेट का, वही गोल्डन कलर का बॉर्डर,
मेरे सर पे दिया और श्रृंगार दिए और आशीर्वाद के तरीके से मतलब तौर पे। और मैंने जब देखा, अरे ये तो वही दुपट्टा है जो कान्हा ने राधा को हमारे श्याम लगन भजन में उस दिन महाराष्ट्र में यही तो ओढ़नी ओढ़ा था। ये क्या था मुझे नहीं पता, वही ओढ़नी है। मैं आपसे ये भी मैं शेयर करूँगी और आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि वो ओढ़नी ब्लू कलर की थी। और आज वही बात जैकी भाई ने मुझे, जैसे हम लोग गाना चलाया, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि मंदाकिनी तू मुझे ये ब्लू कलर का ओढ़नी देना है। उनको नहीं पता था ये सब बातें कुछ भी। उन्होंने मुझे बोला ये ओढ़नी मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे देना। इस समथिंग कुछ पावर, कुछ ठाकुर जी की कृपा कुछ है जिनके कारण कि ये कृपा आज हम सबके ऊपर हुए हैं, जिनके कारण ये गाना बहुत जल्दी बन चुके हैं। बहुत जल्दी इसकी अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, आप सबके सामने आज हम सब लोग बैठे हुए हैं। और पारुल ने इतना प्यार दिया हमेशा, बहुत ज़्यादा, बहुत दिल की, मतलब दिल की मेरी सबसे बहुत करीब हो तुम पारुल हमेशा। और आपके हेल्प के बिना, आपके बिना ये नहीं हो सकता था, ये ठाकुर जी का भजन जो पब्लिसिटी एंड प्रमोशन हो रहा है। थैंक्स टू पारुल एंड आप सभी मीडिया वाले को तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं पूरी टीम से। आप सबके बिना हम आर्टिस्ट अधूरा है, हम कुछ भी नहीं है। आपके बिना ही हम लोग इस अगर फील्ड में, इस बॉलीवुड में, इस इंडस्ट्री में अगर है कुछ, आपके कारण ही है। सो तह दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी को। राधे राधे बोलना चाहती हूँ। सो जी, और इस भजन को आप लोग हर जगह पहुँचाए और इस जन्माष्टमी धूम 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 उठे इस भजन से, और हर जन्माष्टमी धूम मचाए। और बस यही मैं बोलना चाहूँगी। कान्हा कान्हा भजन मेरे उस समय वायरल हुआ जिस समय मतलब कोविड चल रहे थे, और कोविड के समय गाना गया, लेकिन उस समय कोविड के जो डिस्टरबेंस थे तो गाना का रिच, जैसे कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद गाने का रिच बहुत ज़्यादा पहुंच गए। कोविड में सब डिस्टर्ब थे और मुझे खुद को इतना बुरा, मतलब एक टाइम में सब लोगों ने इसको, इस दौर को गुजरा और मैं भी, मुझे भी कोविड हो गया था। और ये ठाकुर जी की कृपा है, शायद मुझे कोविड बहुत बुरी तरीके से हो गए थे, मैं ऑक्सीजन पे भी थी मैं 4-5 दिन। उसके बाद पता नहीं है, उन्हीं की कृपा है शायद आज मैं आपके सामने हूँ। आप सबके प्यार, ब्लेसिंग्स, मेरे परिवार, आप सभी के ब्लेसिंग्स और ठाकुर जी के आशीर्वाद से और कोविड से हम लोग निकले हैं हम सभी लोग। और ऐसा दिन कभी ना दिखाए, कभी ना आए हम सभी के लाइफ में, यही मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। और कान्हा का जब भजन भी जावेद जी ने ही बनाया और प्यासा अंजुम जी ने लिरिक्स लिखा है, और उसके बाद जब ये गाना अभी इतना वायरल, इतने लाखों रील्स बन चुके हैं, मुझे तीसरी से फ़ोन आया कि मंदाकिनी जी ऐसा भजन का रील्स आज तक कोई भजन का रील्स नहीं बना, ये पहली बार, ये रिकॉर्ड है। हर एक सेलिब्रिटी मेरे भजन को रील्स बना रहे हैं, हर एक सिंगर बना रहे हैं, हर एक इस्कॉन बोलेंगे, मायापुर इस्कॉन बोलेंगे, हर एक मंदिर, हर एक लोग, हर एक भक्त, हर एक लोग, हर एक जनता, इसका बच्चे से बच्चे, बड़े से बड़े लोग इसका भजन बना रहे हैं। ये सब उनकी, उन्हीं की कृपा है, उन्होंने करवाया है और उन्हीं की माया है। बस मैं उन्हीं के चरण में, और इस भजन को भी मैं उन्हीं के चरण में रखना चाहती हूँ, और ताकि इसको भी और पॉपुलरिटी मिले, बस और आशीर्वाद मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, जैकी भाई के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, बहुत लगाव है। और जहाँ ये कान्हा का भजन की बात जहाँ आती है, क्योंकि एक मेरा गाना, आप मेरा ही नहीं सबका प्रिय है, वो जो गाना जो जैकी भाई जो बांसुरी बजाए, सो दैट उनके अंदर भी मुझे वो कान्हा का जो पिक्चर मुझे दिखती है। सो और वो तो हमेशा सुपरस्टार है, हमेशा हमारे दिल में सुपरस्टार ही रहेगी, तो रहेंगे। तो फिर इसीलिए मुझे लगता है कि आज के इस अवसर में जैकी भाई से अच्छा मुझे कोई नहीं लगा, कि मतलब जैकी भाई विल बी द बेस्ट, मतलब उनके आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। वो भी कृष्ण भक्त है और इतना अच्छा वो बांसुरी बजाते हैं, और हीरो का गाने का जो बांसुरी का पार्ट सबको पता है, वो मतलब आज भी सबके दिलों में बसे हुए हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न एक्चुअली। और वो कितना अच्छा ह्यूमन बींग है, बहुत अच्छा।
जी मैंने इसको कंपोज़ किया था 2022 में 2022 में मैंने इसको कंपोज़ किया था, लेकिन कुछ वजह से वो उस टाइम पर हो नहीं पाया। शायद कान्हा जी की यही इच्छा थी कि हम टाइम पे इसको बहुत बड़े लेवल पर करें। अगर ऐसा होता कि 2022 में हम इसको नहीं कर पाते इतने बड़े लेवल पर, लेकिन करम हुआ उनका कि इसको कंपोज़ मैंने किया, सारा म्यूजिक अरेंजमेंट किया। और सबसे बड़ी बात, मंदाकिनी जी ने उस कंपोजिशन को बहुत ही खूबसूरत गाया, बहुत खूबसूरती से उन्होंने इसको गाया। और उस फील को बहुत बहुत मुश्किल होता है कि मतलब किसी कंपोज़र की फील को गाना, ये एक सिर्फ कामयाब सिंगर ही कर सकता है। तो मैंने बहुत अच्छे, थैंक यू मंदाकिनी जी, बहुत खूबसूरत से आपने इसको गाया। I feel very lucky because everything that happened unexpectedly, and it all happened because of her and कान्हा जी। जितना कुछ हुआ है, मतलब ये सॉन्ग ऐसा है कि कृष्ण जी ने खुद पूरा गाना एक साथ लेके आए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है ये, क्योंकि ये गाना बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली और बहुत अमेजिंगली हुआ है। क्योंकि फर्स्ट ना, मैं कभी भी पहले जब मेरा ये इस गाने में मैं आई तो मेरा बहुत अनएक्सपेक्टेड था ना, बिकॉज मैंने आज तक कभी भी अननोन कॉल नहीं उठाया, एंड दिस वॉज द फर्स्ट अननोन कॉल जो मैंने उठाया। एंड जो मैंने उठाया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि वो मैंने कॉल उठाया। एंड क्योंकि फिर मुझे ये गाना आया और मैंने जैसे ही गाना सुना, मैंने कहा ये गाना मुझे करना है। फिर हमारे पहले जूम कॉल भी मीटिंग हुई, क्योंकि ये दिल्ली में थी और मैं मुंबई में थी, तो हम सामने मिल नहीं पाए, और हम लोग सामने सिर्फ सीधा जाके सेट पे ही मिले, एंड उससे पहले हम लोग नहीं मिले थे। बट जैसे मैं इनसे मिली, ऐसा कभी नहीं लगा कि हम लोग पहले नहीं मिले, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम लोग पता नहीं कब से जानते हैं, जैसे कि हम फैमिली हैं और अब हम फैमिली बन चुके हैं। तो मतलब एवरीथिंग इज़ जस्ट अमेजिंगली वेल, और गाना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम ग्लैड कि सब लोगों को भी पसंद आ रहा है, एंड आई होप कि सबको पसंद आए और सब इसको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दें, जितने प्यार से हम लोगों ने इसको बनाया है। थैंक यू सो मच। मुझे चूज़ कर लिया गया था 6 साल पहले कि मैं कृष्ण बनूंगा, पर वो कृष्ण कब बनूंगा ये नहीं बताया गया था। मैं एक शूट के लिए अपना बैंगलोर में हूँ, वहाँ मूवी कर रहा था, और सडनली मुझे एक कॉल आता है कि हम लोग अब ये शाम लगन सॉन्ग बनाने वाले हैं, एंड तुम यहाँ पे आ जाओ और तुम्हें कृष्ण बनना है। मैं उस दिन शिव की अवतार में खड़ा हूँ, और मुझे दूसरा कॉल आते ही कृष्ण का अवतार मिल गया। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं थी कि मेरे को दूसरा भगवान बनने का भी मौका मिल रहा है, जो हर घर का सबसे ज़्यादा माना हुआ भगवान भी है, और हर घर मतलब हर बंदा उसको मानता है, हर बंदा भगवान कृष्ण को मानता है। कृष्ण बनना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने कृष्ण की ऐसी कोई पिक्चर्स नहीं है जो नहीं देखी, कोई वीडियो नहीं ऐसी जो नहीं देखी हो। मैंने हर कोशिश करी कि उनकी जैसी एक स्माइल लाना, उनकी जैसे खड़ा होना, उनकी जैसी एक हंसी देना, वो सब कुछ करने की पूरी कोशिश रखी कि मैं वो किरदार अच्छे से निभा लूँ। जब मुझे पता लगा कि मेरा जो पार्टनर जो राधा है वो रीवा बनने वाली है, तो मेरे को अपनी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ानी पड़ी कि मुझे इससे डबल काम करना होगा, बिकॉज़ वो एक
एक ऐसे लेवल पे शी इज़ राइट नाउ कि एक तो वो सुंदर, ऊपर से वो राधापुरी लगती है. अब राधा के जैसा, राधा के साथ कृष्ण बन के खड़ा होना तो अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है. और जो मेरा किरदार है उसको अगर मैं नहीं निभा पाता तो बहुत मुश्किल होती. पर जब मुझे ये मिला और मैंने ये वीडियो बनाई, वो चार दिन हमने काम किया, मेहनत करी, मतलब मैंने अपनी जान लगा दी इस कृष्ण को, इस किरदार को निभाने के लिए और कृष्ण के रूप में आने के लिए. अब बाकी आप लोगों के ऊपर है और जनता पे है कि आप लोगों को मैं कृष्ण लगा या मैं कृष्ण का अवतार हूँ या नहीं हूँ. बट मेरी यही आप लोगों से विनती रहेगी कि आप सब लोग इसको प्यार दें. और हमने टू भी कंटिन्यू रखा है इस सॉन्ग को. अभी फेस बनना है कृष्ण का, तो मेरी टारगेट यही है और आप लोगों को भी यही होना चाहिए कि दूसरा सॉन्ग भी जल्दी बन के आ जाए और कृष्ण को एक नए अवतार में फिर से देखने को मौका मिल जाए आप लोगों को. जी यस बिल्कुल. तो इसी में मैं ये बात करना चाहती हूँ, एक्चुअली ये श्लोक यही बात करना चाहते हैं इस वीडियो में जो लास्ट में कृष्णा पूरा बन गए हैं, मैंने उस कृष्णा के पूरी पिक्चर को बना ली लेकिन लास्ट में फेस रह गए और फेस कंप्लीट नहीं है एंड देन गाना ख़त्म एंड टू बी कंटिन्यूड लिखा हुआ आ रहे हैं. तो ये एक सबके लिए एक क्यूरियोसिटी है कि ये क्या है, बिकॉज श्याम लगन पार्ट टू विल बी कमिंग. बिकॉज ये मेरी एक वही थी कि मैं इस्कॉन से 2002 से मैं जुड़ी हूँ और जब से जुड़ी हूँ तब से बहुत ज़्यादा मैं ठाकुर जी के साथ मेरा एक कनेक्शन बहुत ज़्यादा क्लोज़ है. और उसके बाद जब मैंने बहुत कुछ चीज़ें सोची कि नहीं मुझे कुछ ऐसा यूनिक वर्क कुछ करना है और माइथोलॉजिकल के तरफ मेरा पहले से ही थोड़ा लगाव, थोड़ा दिल से कनेक्शन है ज़्यादा. सो उसके बाद जब ये रुक्मिणी रानी का जो रोल है, रुक्मिणी रानी ने हमेशा कृष्णा को मनी मन प्यार किया और जब उनका रुक्मिणी हरण हुए तब तक रुक्मिणी जी ने जब वो यंग थी तब से हमेशा कृष्णा को ढूंढती रहती थी, कृष्णा कैसे दिखने में है लेकिन उनको नहीं पता था. और कभी किसी गोपियों को भेजती थी, कभी किसी को भेजती थी, जाओ ना जाओ, बरसाना जाओ, वृंदावन जाओ, कृष्णा को देखो. उनको पता था राधा कृष्ण का क्या प्रेम, लेकिन वो मनी मन कृष्ण से वो प्यार करती थी, उनसे शादी करना चाहती थी. देन रुक्मिणी वो कृष्णा के कभी पगड़ी बनाती थी, कोई बोले अरे वो दिव्य रूप है और उनके पगड़ी में फ्लावर से सज्जित है और मोर में मुकुट में मोर पंख है और पीताम्बरी कलर का धोती पहनते हैं. तो हर एक चीज़ रुक्मिणी को जैसे जैसे पता लगता था वैसे वैसे वो चित्र बनाते जाती थी. और वही चीज़ मैंने कोशिश की कि हम इस गाने में दिखाएं. और एज ए रुक्मिणी मैंने थोड़ा सा मैं करने की कोशिश की कि कृष्णा के वो पहले खाका बनाया, देन आइज़ बनाए, देन धोती बनाए, एंड देन लास्ट में कृष्णा पूरा बन गए. एंड देन लास्ट में जब कृष्णा ने कृष्णा प्रकट हुए वीडियो में, फिर आप फेस बनानी है. कृष्णा को देख चुकी है आप, अब लास्ट में कृष्णा देखी. सो यही चीज़ हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में रखे हैं. और अब नेक्स्ट पार्ट टू के लिए पूरी कृष्णा फेस बनते हुए अब एक नए रूप में आने के लिए कोशिश करेंगे कि अब फिलहाल ये श्याम लगन पार्ट वन खूब धूम मचाए. बस आप सबके आशीर्वाद हो, ठाकुर जी के आशीर्वाद हो. थैंक यू सो मच. प्लीज हमें प्यार दो, ये वाले सॉन्ग को इतना ज़्यादा प्यार मिले. बहुत प्यार से बनाया और दूसरा तभी आ पाएगा जब इस पे प्यार बहुत अच्छा होगा. तो प्लीज़ हमें प्यार दो. ठीक है. शाम लगन मोहे लागी रे लागी, शाम लगन मोहे लागी रे लागी, ऐसी प्रीत जागी श्याम लगन मोहे लागी रे लागी, श्याम लगन मोहे लागी रे लागी, श्याम ल
लगन मोहे लागे रे लागे श्याम लगन मोहे लागे रे लागे श्याम लगन मोहे लागे रे लागे लागे रे श्याम लगन मोहे लागे रे लागे श्याम लगन मोहे लागे रे लागे श्याम लगन मोहे लागे रे लागे लागे रे श्याम लगन मोहे लागे रे श्याम लगन मोहे लागे रे श्याम लगन मोहे लागे रे लागे श्याम लगन मोहे लागे रे लागे राधे राधे जय श्री कृष्णा बाके बिहारी लाल की बिहारी लाल की जय जय बोलो राधा रानी की जय देखिए लाइफ में हम लोग ने जो भी कुछ किया है काम किया है या म्यूज़िक में भी काम करने की कोशिश की उसका एक मकसद यही था कि हम लोग म्यूज़िक वीडियोस करें एल्बम्स करें। आज मंदाकिनी जी का इतना अच्छा ब्यूटीफुल वीडियो आया है और इतना अच्छा गाया भी है उन्होंने, तो मेरे तरफ से उनके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये करियर जो है वो और ऊँचाइयों तक जाए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आए और सॉन्ग्स आए जो हमें सुनने मिले, यही मैं प्रार्थना करूंगा। थैंक यू सो मच, आप हमेशा हम सबके दिल में हैं। थैंक यू। जब इंडियन आइडल शुरू हुई, फर्स्ट इंडियन आइडल, तो ही इज द विनर, सो अभिजीत सावंत हमारे दिल में घरों घरों में बसे हुए हैं और हमेशा रहेगा। हाँ, सच ए ग्रेट सिंगर एंड वेरी, मतलब बहुत अच्छा आप ह्यूमन बींग भी हो। उस समय भी जब आपको हमेशा देखते थे हर एक एपिसोड, अब इतना पोलाइटली बात करना, इतना मतलब अच्छा से, मतलब आराम से, मतलब हम बट आज आज आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर अबाउट दिस सॉन्ग। एक तो जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो उसके लिए भी एक अच्छा मौका है। और जिस तरह से इस गाने को प्रेजेंट भी किया है, अभी वीडियो में देख रहा हूँ तो बहुत खूबसूरती से शूट किया है। आपके भी अलग अलग शॉट्स भी बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बहुत ही वेल प्रोड्यूस्ड और एक महंगा प्रोजेक्ट लग रहा है। आई एम होपिंग कि तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों तक पहुँचे। शुभकामनाएं आप सभी को, हम सबको बेस्ट विशेष और आशीर्वाद दीजिए कि प्रोजेक्ट बहुत आगे जाए। ऑफ कोर्स जाएगा, और आपको भी भगवान और मतलब आगे बस और खूब सारे बस। होपफुली नेक्स्ट टाइम साथ में करेंगे। बिल्कुल। हाँ, शाम लगन मोहे लागे रे लागे, शाम लगन मोहे लागे रे लागे, ऐसी प्रीत ऐसी प्रीत ऐसी प्रीत, जागी रे जागी, शाम लगन मोहे लागे रे लागे, शाम लगन बहुत एक्चुअली बहुत ही अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ, मैं अपनी एल्बम का, मेरा भी फर्स्ट एल्बम आया था तब, मेरा बहुत फेमस गाना जो रहा है, मोहब्बतें लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा, हाँ इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, हाँ मैं भूली से ना पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी। आई होप कभी आगे हम लोग प्रोजेक्ट में साथ काम करें, क्योंकि जितने अच्छा आपने यहाँ पर ऐसे ही गा दिया नो, आप फिर हम लोग मिलके गाएंगे तो और भी अच्छा आएगा। नेक्स्ट टाइम होपफुली जब ये बातें अभी हो गई तो साथ में करना ही है, बहुत जल्द आएंगे अभिजीत सावंत एंड मंदाकिनी। यस, थैंक यू।